हाय आज हम पढ़ेंगे अबाउट दी क्लेडोग्राम एंड हाउ टू रीड अ क्लेडोग्राम किस तरीके से क्लेडोग्राम को रीड किया जाता है वो भी स्टडी करेंगे हियर यू कैन सी देर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर बीन गिवन जो कि दे आर शोइंग अ क्लोजली रिलेशनशिप एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विथ ईच अदर और यहाँ पर यू कैन सी दे आर शोइंग अ कॉमन एंड एज वेल और यहाँ पर यू कैन सी दीज ऑर्गेनिजम्स दे आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर और यहाँ पर जो है हेयर दे आर शोइंग डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो विच आर सेपरेटेड फ्राम वन अनदर हेयर ऑल्सो यू कैन सी अ कॉमन सिस्टर यहाँ पर भी एक कॉमन सिस्टर है यहाँ पे यहाँ पे हेयर दीज पॉइंट्स दे आर शोइंग द कॉमन सिस्टर इज प्रेजेंट सो एक एक करके हम कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे सो फर्स्ट कैरेक्टर इज द वर्टिब्री यहाँ पर ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इन सभी के पास जो है बैक बोन प्रेजेंट है सो दैट इज दिस कैरेक्टर इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल दी ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट कैरेक्टर है दैट इज द बोनी स्केलेटन बोनी स्केलेटन यहाँ से जब पीछे जाते हैं दीज ऑर्गेनिज्म दे आर नॉट गोइंग टू हैव द बोनी स्केलेटन जब हम इन ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं शॉक्स की दे आर गोइंग टू हैव द काटलीजीनियस एंडोस्केलेटन और बोनी स्केलेटन इसके आगे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर गोइंग टू हैव द बोनी एंडोस्केलेटन नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर लिम्स की इससे आगे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनके पास जो है दो हाथ और दो पैर प्रेजेंट होंगे सो देर आर टोटल फोर लिम्स आप प्रेजेंट फोर लिम्स एंड टू फोर लिम्स एंड टू हाइंड लिम्स आर प्रेजेंट यहाँ से जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है दिस कैरेक्टर इट इज फाउंड नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज़ अबाउट दी एमियोटिक एग्स एमनिओटिक एग्स जो होते हैं दे आर एन एयर ब्रीदिंग एग्स विच इज करेक्टराइज बाय अ शेल एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रेडिंग मेमरी इज प्रेजेंट सो इनके पास जो है इस तरीके के एग्स पाए जाएंगे लाइक इन द प्राइमेड्स एज वेल एज इन द रोडन एंड रैबिट्स नेक्स्ट कैरेक्टर है इज देर हेयर हेयर जो है आपको प्राइमेंड्स में भी मिलेंगे एज वेल एज इन द रॉबट्स रैबिट्स एंड इवन रोडन नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखते हैं दैट इज एग्स विथ शेल सो यहाँ से जितने भी ऑर्गेनिजम्स है दे आर गोइंग टू प्रोड्यूज एग्ज विच आर एनक्लोज बाई अ प्रोटेक्टिव कवरिंग हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट इज द शेल सो ये आपको देखने मिलेंगे द बर्ड्स एज वेल एज इन द क्रोकोडाइल सो इस तरीके से जो है ये क्लाइडोग्राम को रीड किया जाता है नेक्स्ट ये जब भी क्लाइडोग्राम को स्टडी करते हैं दे आर शोइंग अ टिपिकल ब्रांचिंग पैटर्न इवन अगर आपने देखा होगा एक एग्जाम्पल थ्री डोमिनस ऑफ लाइफ वो भी एक एग्जाम्पल है क्लैडोग्राम का सो so इस तरीके से जो है एक हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप दिखाता है ये क्लैडोग्राम जो कि डिनोट करता है कम्पेरिजन दिखाता है दैट देर इज़ अ कॉमन एनसिसटर प्रेजेंट अमंग दी लिविंग ऑर्गेनिजम जैसे यू कैन सी अ कॉमन एनसिसटर यहाँ पर भी है ओके सो दीज पॉइंट्स जे आर शोइंग अ कॉमन एनसिस्टर